जंगल कहाँ है, कौन से जंगलों में रह रहा तू? दिल्ली में मिले दिल्ली में पकड़ेंगे हमको, मुंबई में पकड़ेंगे, और कहाँ पकड़ेंगे? हरियाणा में पकड़ेंगे। हरियाणा में क्योंकि भाई के बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे, हमें सॉरी बुलवाएंगे भाई साहब। पकड़ ले भाई, कांग्रेचुलेशन इस काम के लिए, तुम्हें बधाई मिलनी चाहिए मेरे भाई, क्योंकि तुमने सारी यूट्यूबर्स को धमकी देकर पता क्या किया है, तुमने हम सबको यूनाइट कर दिया है, और ये बड़ा जरूरी भी था। I'm sure कोई ना कोई तो टैलेंट होगा तुम्हें, या बस अटेंशन के भूखे हो। और ये भी बता देना कि किस बिल में बैठे हो। वो कहते हैं ना, when the world falls, the true soldiers come alive. YouTube कम्युनिटी कुछ ऐसी है। और डोंट वरी, वहाँ डू नॉट ट्रेसपास का एक बोर्ड लगा देना, और मैं सबको बता दूंगा YouTube कम्युनिटी में कोई वहां नहीं आएगा। ये पीपोए का वचन है। श्याम दोस्तों, आज मैं बात करना है हूँ अजाज खान के बारे में। जी हाँ, वही अजाज खान की कंट्रोवर्सी के लिए कुछ भी कर सकता है, फेम के लिए कुछ भी कर सकता है। जी हाँ, अभी मैं आपको क्या है मुद्दा पूरा वो मैं समझाने आ रहा हूँ आज। तो भाई मुद्दा ये है कि भाई थोड़ा कंट्रोवर्सी हुआ था, इंटरनेट का कंट्रोवर्सी था, लेकिन नहीं, उनको लड़ना है रियल लाइफ में। इंटरनेट का कंट्रोवर्सी रियल लाइफ में चाहिए उनको। तो भाई यही है, यही इसीलिए भाई रियल लाइफ में कैरी मिनाटी को भाई आया था और माफी मंगवाया था, ठीक है। लेकिन कैरी मिनाटी अच्छा बंदा, उसको मुंह नहीं लगना चाहता था, इसलिए माफी मांग लिया। लेकिन अब सभी यूट्यूबर को चैलेंज दे रहा है कि मैं सभी यूट्यूबरों को माफी मंगाऊंगा। तो भाई ये तुम गलत कर रहे हो। जितने भी यूट्यूबर है सबको बोल रहा हूँ मैं, थोड़ा तमीज में अच्छे से अच्छे काम भी कर सकते रहे तुम लोग, धोवा भला भी कर सकते, अच्छे से भी कर सकते हो सब कुछ। हम लोग मुर्ची लोग, समझे कि नहीं? जिसका जितना हाथ चलता है उसकी उतनी बात चलती है। और जितने भी यूट्यूबर है मेरे बारे में बोलो, मैं तुमको लेके आऊंगा, ये मेरा वादा है। नहीं लाया तो किधर मिलोगे? भागते रहोगे तो कहीं ना कहीं तो मिलोगे, जैसे कह नहीं मिला भाई। तुम लोग तक नहीं आता हूँ, मेरे तक नहीं आने का, किसी को नहीं माफी मांग पाऊंगी। वो भाई सीधा बंदा था, किसी का मुंह नहीं लगना चाहता था, माफी मांग लिया। एलविस भाई को माफी मांगा दो, मुझे माफी मांगा दो, तो मैं मान जाऊं। मैं तो अभी बम्बई में खड़ा हूँ, ले फोटो देख ले मेरा, मुंबई में ही हूँ। आज आप देख ले क्या कर सकते हैं। आज अभी रिसेंटली मेरे पास एक वीडियो आया है, एजाज खान गया था एल्विस को खरीदने, एक कोई होटल था उसमें गया था, लेकिन वो मिला नहीं। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मुझे आप पकड़ ले, आप वन वर्सेस वन कर ले, और देखते हैं कौन जीतेगा कौन हारेगा। मैं अभी मुंबई में ही हूँ, आज देख लेते हैं। और अगर खुद नहीं लड़ सकता तो मोटे गेंडे को साथ में क्यों बैठाया हुआ है? तू नहीं भाई, तू लड़, मैं नहीं लड़ूंगा, तू लड़। ऐसा कोई गेंडे को क्यों साथ में बैठाया हुआ है? मैं भी कह सकता हूँ कि ये ने भाई खली से लड़ ले, खली से क्या लड़ेगा, मैं नहीं लड़ेगा ना, तेरा गांड पड़ जाएगा। वन और सिक्स में सीधा सीधा करा जाता है, उसे नहीं कि भाई ये मैं नहीं लड़ूंगा ये लड़ेगा, तो ऐसा बात नहीं है। आओ सामने सामने वन और सिक्स फोन करते हैं। ऐसा भाई धमकी देने वाला काम बंद करो। एक क्लिप बहुत तेजी से और वायरल हो रहा है, जहाँ पे एजाज खान का बच्चा बोल रहा है मैं कैरी मिनाटी का बहुत बड़ा। क्या बोलना चाहता है कैरी को? पापा को पता नहीं था कि कैरी मिनाटी कौन है। जानो लव यू, क्या बोलना चाह रहा, बोल उसको। वी लव यू कैरी मिनाटी। एकदम वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। भाई फैन है तो भाई वीडियो में फैन बोला है, और कॉन्ट्रोवर्सी फैन के लिए तो भाई कॉन्ट्रोवर्सी कर रहा है, फेम के लिए कॉन्ट्रोवर्सी कर रहा है। उसका बच्चा तुम्हारा फैन है, तुम भी फैन हो, वीडियो में सारा साल दिख ही रहा है, ऐसा क्यों, आखिर क्यों ऐसा करने का? मैं जानना चाहता हूँ कि भाई सोशल मीडिया का झगड़ा सोशल मीडिया पे लेना चाहिए, रियल लाइफ में नहीं आना चाहिए। लेकिन रियल लाइफ में अगर तुम आ गए हो, आ जाओ, कोई बात नहीं, वन वर्सेस वन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई अपराध नहीं, वन वर्सेस वन करेंगे आमने सामने। आ जा लोकेशन में, मैं आता हूँ, मुंबई में हूँ, आता हूँ, आज कर लिया जाए वन वर्सेस वन, देखते हैं क्या होता है। एलविस तो तुझे मिला नहीं, आ मेरे साथ कर ले, है तुम एकदम माफी मंगाने चाहता है कि मुंबई आओगे तब देखेंगे, मैं मुंबई में हूँ, आज देख ले। और दिल्ली के यूट्यूबरों को बोला कि दिल्ली के यूट्यूबरों से भी माफी मंगा देगा, मुंबई के यूट्यूबरों से माफी मंगा देगा, मुंबई तो कभी तो आएंगे यूट्यूबर, ऐसा तो बोल रहा था। तो भाई आ जा, माफी मंगा ले, देखते हैं किसमें कितना दम है। दो पे जेल में इस चूतिए का, लेकिन इसका गुंडा ही नहीं जा रहा है। मुझे तो लग रहा है भाई कंट्रोवर्सी खत्म होते होते भाई साहब भी निकल लेंगे अपने ससुराल में, जेल में। जी हाँ, उनके ऊपर कुछ क्रिमिनल चार्जेस भी थे, इसीलिए जेल काट रहे थे। जेल में भाई अगर कोई बंदा कुछ दिन गायब होगा, ठीक है, अगर कोई बंदा कुछ दिन गायब होगा तो उसका भाई लोग सब कुछ भूल जाते हैं,
भाई ऐसा ये कुछ नहीं लगा, तुम गायब हो जाओगे तो सब कुछ तुम्हारा भूल जाएंगे सब। तुमको फेम में आने के लिए थोड़ा कॉन्ट्रोवर्सी करना पड़ेगा सब, फेम लेने के लिए कॉन्ट्रोवर्सी करना पड़ेगा। तुमने कई नारी कॉन्ट्रोवर्सी कर लिया तो आइए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपने कॉन्ट्रोवर्सी किया तो आइए मनोर से सॉल्व कर लेते हैं। बिल्कुल कोई बात नहीं, हम तो भाई तैयार है। क्या आप तैयार है तो भैया बताइएगा जरूर, अगर आप तैयार है तो ठीक है। आइए देख लेते हैं इसमें कितना है दम और हम आपके बाप हैं, ये बात याद रखिए भोसड़ी वाले। हड़वे एक बात और सुन ले, अपना ये वीडियो अच्छे से एडिट करवाया, अगर एडिटर को पैसा नहीं देता है का, एडिटर को पैसा नहीं देता है तो बोल मैं दे दूंगा पैसा अपना वीडियो एडिट कराने के लिए। भाई इसका भाई वीडियो क्वालिटी एकदम लगता है, इसको चाहिए फेम, इसका वीडियो क्वालिटी लगता है भाई, फेम नहीं मिलेगा तुमको अगर तुम अगर एलविन भाई नहीं कूदे होते बीच में और यदि मिनाटी नहीं कूदे होते बीच में, भाई तुमको फेम नहीं मिलता, तुमको कोई पहचानता नहीं, कोई गली का कुत्ता पूछता नहीं, तो गली का कुत्ता कोई नहीं पूछता तुमको। तुम कॉन्ट्रोवर्सी किए हो तभी अभी थोड़ा थोड़ा फेम तुमको मिल रहा है, तुम्हारे पहले वीडियो में 1,000 व्यू जाता था, अभी देख रहे हैं हम दो 2.5-2.5 लाख व्यू जा रहा है, 2-2 मिलियन व्यू जा रहा है। भाई सब ये कॉन्ट्रोवर्सी के लिए है, आप ये बात समझिए, कॉन्ट्रोवर्सी करने से कुछ नहीं फायदा होगा, इंटरनेट का झगड़ा इंटरनेट पे ही खत्म कर लीजिए, ठीक है। इस वीडियो करते हैं हमें पेंट, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू। आपको ऐसा वीडियो और देखना है तो कमेंट कीजिए, जिसके ऊपर और देखना है कमेंट कीजिए, बाय बाय, टाटा, सी यू।